और कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें से हम आर्टिकल्स को दो दफा यूज नहीं करते हैं नाउ टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन है यूज आर्टिकल हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक ही है दैट इज द इसको हम जो है वो दी भी बोलते हैं और इसको हम जो है वो द भी बोलते हैं ठीक है अब दी और द में क्या फर्क है हम कहते हैं कि दी और हम कहते हैं कि द बॉय तो हमारे पास जब वावल साउंड आते हैं हम उससे पहले दी लगाते हैं जब हमारे पास कन्फ्रेंट साउंड आता है तो हम उससे पहले द को यूज़ करते हैं तो ये दी और द इस डिफेंट आर्टिकल के हमारे पास दो किस्म के प्रोनाशिएशन हैं दी को हम यूज़ करते हैं एक वावल साउंड से पहले जबकि द को हम यूज़ करते हैं कन्फ्रेंट साउंड से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है कि जिसमें हम डिफेंट आर्टिकल को यूज़ करते हैं अब सबसे पहले हमारे पास यहां पर मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं यहां पर मैंने हर एक एमसीक्यूज के आपको फोर ऑप्शंस दिए हैं ए ए एन और एन हमारे पास इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं द हमारे पास इन आर्टिकल है और फिर फोर्थ हमारे पास जो ऑप्शन है इज जीरो जीरो आर्टिकल्स आर्टिकल्स का मतलब होता है कि जब हम इन तीनों में से किसी भी एक आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं जीरो आर्टिकल का यह मतलब नहीं कि नहीं है कि आप जीरो लगाएं सही है बल्कि इसका मतलब होता है कि हम इसमें से किसी किस्म के आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं अब हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है डैश सन इज अ स्टार। अब इसमें हमारे पास आएगा द क्यों आएगा द हमारे पास इस वजह से आएगा क्योंकि हमारे पास जितने भी यूनिक थिंग्स इन नेचर है कुदरत में हमारे पास जितने भी यूनिक थिंग्स हैं यूनिक का मतलब है कि जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है सन हमारे पास एक है मून हमारे पास एक है स्काई हमारे पास एक है इस वजह से हम इसे यूनिक कहते हैं तो जितने भी हमारे पास नेचर में यूनिक थिंग्स है हम उसके साथ आर्टिकल द को यूज करते हैं फिर एमसीक्यूज नंबर टू हमारे पास है डैश अर्थ इज अ प्लेनेट आपको पता है कि टोटल हमारे पास कितने प्लान हैं टोटल हमारे पास नाइन प्लानट्स हैं इन नाइन प्लान्स में हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के साथ आर्टिकल द को यूज़ करते हैं बाकी हमारे पास जितने भी प्लैनट्स हैं हम उसके साथ जीरो आर्टिकल को यूज करते हैं हम अर्थ के साथ आर्टिकल को क्यों यूज करते हैं इसका हमारे पास रीजन यही है क्योंकि ये अर्थ जो है वो इन नाइन प्लैनेट्स में सबसे यूनिक है वी हैव गॉट ह्यूमन बींग्स ऑन दिस लाइफ एगजिस्ट ऑन दिस एंड वी सी देट देयर इज नो लाइफ ऑन ऑल द रिमेनिंग प्लानट्स वाटर एटसेट्रा यहाँ का जो एटमोसफेयर है वो बाकी प्लैनेट्स पे अवेलेबल नहीं है दैट इज वाई अर्थ इज अगेन अ यूनिक अलैनेट दैट इज वाई वी यूज आर्टिकल द विद सो वी से ट लेकिन पास क्या हमारे पास एक प्लेनेट है लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं जिसके साथ हम किसी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं फिर नेक्स्ट हमारे पास है डैश हिमालिया हाई माउंटेन्स हिमालय हमारे पास क्या ये हमारे पास माउंटेन रेंजेस माउंटेन रेंजेस को हम उर्दू में कहते हैं पहाड़ी सिलसिला पहाड़ी सिलसिले का मतलब यह होता है कि एक सीरीज होता है जिसमें एक से ज्यादा पहाड़ होते हैं उन सारे पहाड़ों को हम क्या करते हैं एक नाम देते हैं आपने सुना हो कोई सलमान कोई हिंदुकश, हिमालिया हमारे ये क्या ये हमारे पास जो है वो माउंटेन रेंजेस है तो जब भी हमारे पास माउंटेन रेंजेस आते हैं हम हमेशा उससे पहले आर्टिकल तो को यूज करते हैं इस वजह से हम कहते हैं कि द हिमालियाज हाई माउंटेन्स तो हिमालयस या हिमालयस हमारे पास क्या है ये हमारे पास माउंटेन रेंजेस है इस वजह से हम इसके साथ आर्टिकल द को यूज करते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास है इज लोकेटेड इन पाकिस्तान अब K2 हमारे पास सिर्फ सिर्फ और क्या है एक सिंगल माउंटेन का नाम है तो याद रखें जब भी हमारे पास सिंगल माउंटेन आता है तो हम उसके साथ जीरो आर्टिकल लगाते हैं हम ये नहीं कह सकते के टू इज लोकेटेड इन पाकिस्तान या हम इस तरह नहीं कह सकते कि

तो आप होपफुली इस पॉइंट को समझ गए हैं कि जब हमारे पास माउंटेन रेंजेस आएंगे हम उसके साथ आर्टिकल द को यूज करेंगे और जब हमारे पास सिंगल माउंटेन आएगा तो हम उसके साथ जीरो आर्टिकल को यूज करेंगे फिर नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान पाकिस्तान हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक कंट्री का नेम है अब याद रखें कि हम किसी कंट्री के नेम से पहले आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं आई कैन नॉट से आई लिव इन पाकिस्तान मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि आई लिव इन पाकिस्तान हमारे पास जब किसी कंट्री का नेम आता है तो हम उससे पहले आर्टिकल द को यूज नहीं करते हैं अगर मैं कहता हूं कि आई लिव इन द पाकिस्तान तो हमारा ये सेंटेंस गलत बन जाएगा लेकिन तीन हमारे पास एक्सेप्शन केसेस है तीन या तीन हमारे पास ऐसे सिचुएशन है कि जिसमें हम उस कंट्री के नेम के साथ आर्टिकल को यूज कर सकते हैं कुछ तो हमारे पास ऐसे कंट्रीज होते हैं जिसके नेम के साथ हमेशा आर्टिकल आता है सही है जिस तरह आप कहते हैं कि द नदरलैंड या आप कहते हैं कि द फिलिपींस तो वो तो उस कंट्री के नेम के साथ ऑलरेडी फिक्स्ड है लेकिन हम जनरल सिचुएशन की बात कर रहे हैं और जनरल सिचुएशन हमारे पास ये है कि हम किसी कंट्री के नेम से पहले आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले जो सिचुएशन है वो ये है कि जब भी किसी कंट्री के नेम से पहले वर्ल्ड रिपब्लिक आ जाए तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल यूज करते हैं पहला रूल हमने ये डिस्कस किया कि किसी कंट्री के नेम के साथ आर्टिकल नहीं आता है समझ गए आप लोग दूसरा रूल हमने क्या डिस्कस किया दूसरा रूल हमने ये डिस्कस किया कि जब हम किसी कंट्री के नेम से पहले वर्ड रिपब्लिक लगाते हैं तो फिर उस कंट्री के नेम के साथ आर्टिकल द आता है दैट दैट इज आई 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 से से लिव लिव इन इन पाकिस्तान बट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फिर नेक्स्ट हमारे पास है ही विजिटेड अमेरिका हम ये नहीं कह सकते कि ही विजिटेड द अमेरिका क्योंकि अमेरिका हमारे पास एक कंट्री का नेम है और ये रूल तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है

then you will have to use article the with it। और तीसरा हमारे पास exception क्या है कि जब हमारे पास किसी country के name का abbreviation मौजूद हो क्या हो abbreviation। जिस तरह हम कहते हैं कि UK। abbreviation का मतलब क्या है अब के एस का मतलब क्या है Kingdom of Saudi Arabia। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे पास पाकिस्तान का जो है वो abbreviation है कि नहीं या हमारे पास इंडिया का abbreviation है या नहीं है Osionfish. तो नहीं हमारे पास इन कंट्रीज के एब्रीविएशन मौजूद नहीं है एब्रीविएशन के लिए हमारे पास रूल कुछ इस तरह से हैं कि उस कंट्री के नेम में कम अज कम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होंगे उस कंट्री के नेम में कम अज कम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होंगे और फिर आप हर एक वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होता है आप उसको ले लेंगे और आप उसको कंबाइन कर लेंगे अब देखिए हमारे पास किंगडम से हमने के लिया सऊदीया से हमने एस लिया अरेबिया से हमने ए लिया तो इस वजह से हमने कहा के एस ए किंगम ऑफ सऊदी अरेबिया हम कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम तो यूनाइटेड से हमने यू लिया किंगडम से हमने के लिया और इस तरह हमारे पास इसका जो है वो एब्रीविएशन बन गया है तो जब भी आपके पास किसी कंट्री के नेम का एब्रीविएशन मौजूद हो तो आप उसके साथ आर्टिकल द को यूज करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो आज के लेक्चर के टेन पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया है इंशाल्लाह बाकी जो हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल्स पे डिस्कशन होगी उसको हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज